तो इक्विवेलेंट मास क्या है इस बारे में आज चर्चा करते हैं। इक्विवेलेंट मास है मतलब पहले डेफिनेशन समझते हैं और अगर नहीं समझ में आई तो फिर एग्जांपल से उसे समझते हैं। तो इट इज़ मास ऑफ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का एक दिया गया द्रव्यमान है, किसी पदार्थ का एक दिया गया द्रव्यमान है जो दैट विल कम्बाइन, जो क्या करता है कम्बाइन करता है, दैट कम्बाइन और डिस्प्लेस जो किसी और पदार्थ के साथ, देखो क्या है, दैट कम्बाइन और डिस्प्लेस विद फिक्स क्वान्टिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस, मतलब तुल्यांक की भार क्या है, इक्विवेलेंट मास क्या है, इट इज़ मास ऑफ सब्सटेंस, यह एक पदार्थ की वह मात्रा है जो किसी अन्य पदार्थ के किसी फिक्स्ड मात्रा के साथ या तो कम्बाइन करता है या उसे डिस्प्लेस कर देता है, विस्थापित कर देता है ना, तो वो क्या है आपके पास, इक्विवेलेंट मास है। तो ये तो डेफिनेशन है और इस डेफिनेशन को अगर ये पेपर में आएगी तो इसे आप रट भी लोगे है ना, पर आपको कॉन्सेप्ट इससे समझ में नहीं आएगा, इससे इस डेफिनेशन से समझ में नहीं आएगा। इट इज़ मास ऑफ सब्सटेंस दैट कम्बाइन और डिस्प्लेस विद फिक्स क्वांटिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस, मतलब ये वह पदार्थ की मात्रा है जो किसी अन्य पदार्थ की मात्रा के साथ फिक्स क्वांटिटी में या तो जुड़ती है या फिर उसे विस्थापित कर देती है ना। ये तो बात क्या हो गई, इक्विवेलेंट मास की हो गई, तुल्यांक की भार की हो गई, लेकिन है क्या, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। देखो इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है, वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। अब मॉलिक्यूलर वेट तो हमको पता होता है किसी भी चीज़ का, और एक्स फैक्टर क्या है ये समझते हैं। तो एक्स फैक्टर हर के लिए अलग होता है, एक्स फैक्टर इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट स्पीसीज अलग अलग वर्ग के लिए, अलग अलग वर्ग के लिए इक्विवेलेंट जो है एक्स फैक्टर जो है वो अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एसिड की बात करूं, एसिड में जैसे H2SO4 है और HCl है, तो यहाँ क्या होगा, एक्स फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे एक्स फैक्टर होगा बेसिसिटी, एक्स फैक्टर होगा बेसिसिटी, यानी यहाँ पर होगा कि अगर हम कहेंगे कि H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकालिए तो आप लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट अपॉन बेसिसिटी। बेसिसिटी क्या है, बेसिसिटी है किसी एसिड से जितने H+ आयन निकलते हैं, जितने H+ आयन निकलेंगे वो क्या करेंगे भाई, बेस के उतने वो H- आयन के साथ रिएक्ट करेंगे, अरे यस नो, या उसे डिस्प्लेस करेंगे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, बेसिसिटी कहते हैं, गॉट इट। और फॉर एसिड के लिए तो होगा बेसिसिटी, और बेस के लिए, बेस जैसे NaOH है इसके लिए होगा एसिडिटी। यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट बराबर होगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एसिडिटी है ना, अम्ल भार और क्या बोलते सॉरी अणु भार बटे क्या कहते हैं अम्लता है ना, इसके लिए बेस के लिए, तो बेस मतलब क्षार के लिए अम्लता का प्रयोग होगा है ना, और जो अम्ल होगा उसके लिए क्षारकता का प्रयोग होगा। ये शब्द अपोजिट हो जाएंगे एक दूसरे से, ठीक है, क्यों अपोजिट होंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है जैसे हम इक्विवेलेंट वेट एसिड के लिए बात करें तो एसिड के लिए हम शब्द यूज करें बेसिसिटी क्षारकता, तो क्षारकता शब्द यहाँ पर क्यों यूज होगा, क्योंकि जितने H+ आयन यहाँ से निकलेंगे वो H+ आयन किसी बेस को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे या डिस्प्लेस करेंगे या उससे कम्बाइन करेंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, उतने बेस आयन से क्या करेगा कंबाइन करेगा, उसी को हम बेसिसिटी कहेंगे। तो यहाँ पर शब्द आएगा बेसिसिटी, एसिड के लिए बेसिसिटी और बेस के लिए एसिडिटी। और दूसरा है साल्ट, साल्ट के लिए आएगा जैसे साल्ट है NaCl, इसके लिए आएगा बैलेंसी, इसके लिए आएगा बैलेंसी, तो इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिकुलर वेट अपॉन बैलेंसी, संयोजकता, ठीक है। साल्ट के बाद हमारे पास कुछ रिएक्शन होती है जैसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, तो रिडॉक्स रिएक्शन में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिसका खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जैसे चलो उसको देख लेंगे अभी, तो उसमें
जो प्रयोग होता है, शब्द जो यूज होता है वो होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सब बात मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स फैक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ कि एक्स फैक्टर हर एक चीज़ के लिए क्या क्या होगा। जैसे एसिड के लिए एक्स फैक्टर, एसिड के लिए एक्स फैक्टर क्या होगा, बेसिसिटी, और बेस के लिए एसिडिटी, है ना। साल्ट के लिए बैलेंसी, संयोजकता, ओके। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए या रिड्यूसिंग एजेंट के लिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपने समझा है, ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीकारक जो एजेंट होता है, एजेंट को क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट यानी जो अपचायक होता है और ऑक्सीकारक होता है, ये आपने पढ़े हैं, तो उसके लिए शब्द प्रयोग होगा ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीकरण अवस्था में कितना परिवर्तन हुआ वो शब्द वो यहाँ पर लगेगा, एक्स फैक्टर, ठीक है। अभी आपको इतना समझ में आया होगा, अब इसके आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसिड के लिए, ध्यान दीजिएगा, पहले हम लेते हैं कोई एसिड, क्योंकि सबसे पहले हमने एसिड के लिए बात की थी। एसिड एग्जांपल है H2SO4, ठीक है। हमने कहा कि इसका इक्विवेलेंट वेट क्या है, तुल्यांकी भार क्या है, तो देखो तुल्यांकी भार क्या है, हमने कहा मॉलिकुलर वेट, इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिकुलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। तो मॉलिकुलर वेट कितना होगा भाई इसका, देखो इसका वेट होगा 2, देखो H2 होगा, एक का एक होता है, दो का दो होगा, है ना। सल्फर का होता है 32, है ना, और एक ऑक्सीजन का। अब हमने कहा एक्स फैक्टर, एक्स फैक्टर हमने कहा एसिड के लिए एक्स फैक्टर का बेसिसिटी, और वो बेसिसिटी क्या है, जितने नंबर ऑफ H+ आयन होंगे, जितने नंबर ऑफ H+ आयन होंगे, तो नंबर ऑफ H+ आयन कितने हैं भाई इसमें H2SO4 में, 2, है ना। अगर H मतलब अगर H+ आयन, सॉरी अगर H2SO4 डिसोसिएट होगा, विघटित होगा, तो क्या बनेगा, देखो 2H+ प्लस SO4 2-, तो 2+ के हैं, 2+ है इसमें और 2-, है ना, तो उसको हम क्या रखेंगे, 2 को हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे, है ना, 2 को हम क्या रखेंगे, नीचे रखेंगे। मतलब इससे ज़्यादा 2 से भी लेना देना नहीं है, 2 तो आपको सिंपल से ध्यान रखना है यहाँ पर कि नंबर ऑफ H+ आयन कितने हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ H+ आयन होंगे उतने अपोजिट चार्ज होंगे नेगेटिव में। तो अगर आप इसको समझ नहीं पाए तो इस चीज़ को समझ लेना कि यहाँ पे नंबर ऑफ H+ आयन कितने हैं, वो किसकी, वो क्या होगी इसकी बेसिसिटी होगी, वो क्या होगी इसकी बेसिसिटी होगी, क्षारकता होगी। गॉट इट, समझ आई बात। तो 98 अपॉन 2 यानी 49, है ना। 49 क्या है इसका इक्विवेलेंट वेट, क्या है इक्विवेलेंट वेट, H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कितना है 49, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट का कॉन्सेप्ट है क्या, जैसे मान Na2SO4 बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा HCl बनाएगा। अब इसको बैलेंस करके देखते हैं, Na2CO SO4 जो है Na2, तो यहाँ 2NaCl होना चाहिए और Cl यहाँ कितने हैं, सॉरी पहले SO4 कितने हैं, एक, यहाँ भी एक, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 2Cl है, तो इसे 2 होना चाहिए, है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि देखो मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये है ये रिएक्शन जो बैलेंस होती है मोल कॉन्सेप्ट से बैलेंस है। तो ये कह रहा है कि अगर NaCl की रिएक्शन H2SO4 से करानी है तो H2SO4 का एक मोल चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए और NaCl के 2 मोल चाहिए। ये जो नंबर आगे लिखा हुआ है ये मोल के नंबर होते हैं, ठीक है। NaCl के कितने मोल चाहिए, 2, है ना। मतलब सिंपल से बात, परसों मैंने आपको बताया था कि NaCl का जो 2 × ये कि NaCl का ग्राम में नापेंगे तो कितना आएगा 58.5 ग्राम, है ना, इतना चाहिए। और इसका H2SO4 कितना आया था 98, है ना। तो अगर हम 98 ग्राम को लेंगे तो ये 58 का दोना कितना होता है भाई, 116, है ना, 117 हो गए। तो 117 ग्राम चाहिए और इसका 98 ग्राम चाहिए, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होगी, तब जाके रिएक्शन कंप्लीट होगी। इसका मतलब समझ गए आप, अगर ये रिएक्शन पूरी तरह बनानी है तो इसका कितना ग्राम चाहिए, 98 ग्राम, अगर ग्राम में लेना है तो एक बात कर रहे हैं जनरली तो, और इसका कितना चाहिए 117 ग्राम, तब रिएक्शन कंप्लीट होगी, है ना। ये बात समझ में आई, तो ये मोल कॉन्सेप्ट कहता है। और इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यही बात को आगे बहता है, वो कह रहा है रिएक्शन बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, है ना। जितना इक्विवेलेंट वेट एक का होगा उतना ही इक्विवेलेंट वेट अगले का भी होगा, मतलब अगर किसी का 50 ग्राम है रिएक्ट करना है तो अगले का भी 50 ग्राम होगा, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, अलग अलग आएगा। समझ आई आपको बात की नहीं, तो ये है क्या बोलते वहाँ पर हम इसे देखेंगे डिटेल में। तो अब देखो यहाँ पर आपको समझ में आ गया, ये है ना इक्विवेलेंट वेट समझ में आ गया यहाँ पर एसिड के लिए। अगर हमें बेस के लिए निकालना है,
किसी बेस के लिए निकालना है भाई, तो क्या होगा? बेस जैसे एन ए ओ एच है, एन ए ओ एच है, तो एन ए ओ एच में देखो एन ए मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है, मॉलिकुलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। तो एन ए ओ एच का मॉलिकुलर वेट कितना होगा, 23 प्लस 16 प्लस 1 23 16। और अब एन ए ओ एच की नीचे हम क्या लिखेंगे, एक्स फैक्टर को क्या लिखेंगे, बेसिसिटी सॉरी एसिडिटी, क्योंकि बेस है तो उसके लिए शब्द क्या यूज होगा, एसिडिटी। तो एसिडिटी कितनी होगी इसकी, जितने ओ एच माइनस आयन होंगे, एसिडिटी कितनी होगी, जितनी ओ एच माइनस आयन होंगे, कितने ओ एच माइनस आयन इसमें है, 1, तो 1, तो ये 40 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट मॉलिकुलर वेट के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, इक्विवेलेंट वेट मॉलिकुलर वेट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे एन ए एच के लिए मॉलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर है, लेकिन H2SO4 के लिए नहीं था, H2SO4 के लिए मॉलिकुलर वेट 98 था और इक्विवेलेंट वेट 49 था। तो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो बेस के लिए ये है। आप किसी साल्ट को लेते हैं, जैसे साल्ट हमारे पास NaCl, ये साल्ट के लिए लेते हैं, तो NaCl में मैंने क्या बोला, एक्स फैक्टर क्या आएगा, एक्स फैक्टर का शब्द कौन सा इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, बैलेंसी संयोजकता। तो मॉलिक्यूलर वेट NaCl के लिए जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो होगा मॉलिक्यूलर वेट होगा NaCl का 30, देखो यहाँ पे 23 Na का होता है, 35.5 Cl का होता है, तो ये हो गया 58.5 है ना, और NaCl में 58.5 एक्स फैक्टर इसके लिए होगा बैलेंसी संयोजकता, है ना। संयोजकता क्या है, साल्ट की, और संयोजकता कहते कैसे हैं, बैलेंसी कैसे कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब संयोजन करने की क्षमता, उसे को हम संयोजकता कहते हैं, ठीक है। तो NaCl की संयोजन करने की क्षमता क्या है, 1, यानी 1 चार्ज इसके ऊपर है, सॉरी हाँ ठीक है, और इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज है, ठीक है, तो 1 इसकी संयोजकता होगी, तो 1 है ना, तो ये भी 58.5 आ गया, सेम ही आ गया। तो किसी भी साल्ट के लिए जो मॉलिकुलर वेट है वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर भी हो सकता है, या दूसरे शब्दों में सॉरी इक्विवेलेंट वेट जो है मॉलिकुलर वेट के बराबर भी हो सकता है वो नहीं भी हो सकता है, तो यहाँ पर तो सेम ही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, Na2CO3, ये भी एक साल्ट है, सोडियम कार्बोनेट है ना, इसका अगर हम देखें तो Na2 यानी 23 एक का होता तो 46 है ना, 46 दो का होगा है ना, कार्बन का 12 होगा, ऑक्सीजन का एक का 16 और तीन का 48 है ना, तो 106 है। अब एक्स फैक्टर क्या होगा इसके लिए, Na2 अगर डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, 2Na प्लस प्लस CO3 2 माइनस बनाएगा, तो 2 प्लस के हैं और 2 माइनस के हैं, इसका मतलब इसके नीचे 2 आएगा, बैलेंस क्या है इसकी, 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, 53, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा इसका, 53। ओके आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं किसी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। रिडॉक्स रिएक्शन में एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक कौन है जो दूसरे का ऑक्सीडेशन कर देता है, ऑक्सीकरण कर देता है, और अपना क्या होता है उसका, अपचयन होता है, रिडक्शन होता है, ये तो पता है ना आपको। तो कोई जैसे ये रिएक्शन है KMnO4, ये एसिडिक मीडियम जैसे H2SO4 के साथ इसके रिएक्शन कराओ, तो मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ इसे, KMnO4 एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है Mn2+ में, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक्स फैक्टर क्या देखेंगे, मॉलिकुलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर क्या देखेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था में कितना परिवर्तन हुआ, वही एक्स फैक्टर होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, यहाँ तो 2 दिख रही है, जितना ऑक्सीडेशन स्टेट किसे बोलते हैं, जितना चार्ज होता है वो ऑक्सीडेशन स्टेट है ना भाई। आप कैसे पता करेंगे किसी भी आयन के ऑक्सीडेशन स्टेट को, जितना चार्ज होता है, या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते किसे हैं, ऑक्सीकरण अवस्था कहते किसे हैं, चार्ज प्रेजेंट ऑन एटम और ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल, जितना किसी एटम के ऊपर, परमाणु के ऊपर
या परमाणु के समूह के ऊपर, जिसे आप मॉलिक्यूल कहेंगे, अणु कहेंगे, या फिर जो भी कहेंगे, यौगिक कहेंगे, उसके ऊपर जितना चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी, और जिसके ऊपर चार्ज नहीं है उसके कैसे निकालेंगे। जैसे इसके ऊपर चार्ज नहीं है Mn के, हम कह रहे हैं कि यहाँ Mn 2 प्लस में कन्वर्ट हो गया, तो Mn 2 प्लस मतलब यहाँ तो पता लग गया हमें कि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 2 है, लेकिन यहाँ कितनी है वो हम निकालेंगे। इसका x मान लीजिए, है ना, x मान लीजिए इसे k की प्लस 1 होती है, क्योंकि k एक ही चार्ज बनाता है प्लस 1। ऑक्सीजन की माइनस 2 होती है, क्योंकि माइनस 2 चार्ज आता है इसमें, मैक्सिमम आता है, तो प्लस 1 1 प्लस x प्लस एक ऑक्सीजन की माइनस 2, तो चार की कितनी होगी, माइनस 8, ठीक है, तो माइनस 8 है ना। पूरे मॉलिक्यूल पर कौन सा चार्ज है कोई नहीं है, शून्य है, उदासीन है ना, न्यूट्रल है ना ये, तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू 0। एस निकालेंगे यहाँ पे एम एन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7, सीधी बात है, 7 हो गया। तो x यहाँ पर क्या है, 7 है, 7 है यहाँ पे, प्लस 7 यहाँ क्या हो गया, प्लस 2 में कन्वर्ट हो गया। तो प्लस 2 में अगर कन्वर्ट हुआ तो क्या हुआ इसमें बताओ, है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी या घटी, घटी ना, यस नो, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ी या घटी, प्लस 7 थी प्लस 2 हो गई, कितने का चेंज आया, 5 का आया या नहीं आया। तो इसका जो है क्या बोलते हैं उसके लिए मॉलिकुलर वेट निकालेंगे, कितना आएगा KMnO4 का मॉलिकुलर वेट, K का होता है 39, Mn का होता है 55, और 14 15, है ना, तो 158 यहाँ पर मॉलिकुलर वेट आ जाएगा, यहाँ पर है मॉलिकुलर वेट कितना आ जाएगा, 158 डिवाइडेड बाय x फैक्टर, x फैक्टर कितना चेंज हुआ यहाँ पे, 5 का, कितना चेंज हुआ, 5 का, है ना। तो 5 5 3 15 हो गए, 5 5 हो गए, है ना, और फिर 3 बच गए, 5 6, ठीक है ना। तो 31.6 इसका क्या आ गया, क्या गया भाई, ये क्या गया, एक्स फैक्टर नहीं आया, ये भाई साहब इक्विवेलेंट वेट आया, तुलियां के बाहर आया। एक्स फैक्टर तो कितना आया था, 5, समझ रहे हो बात को कि नहीं, एक्स फैक्टर कितना आया था, 5, क्योंकि प्लस 7 से प्लस 2 हुआ था। तो यहाँ पर हुआ क्या था, इसका रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ, KMnO4 का Mn2 में कन्वर्ट हो जाना ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, ऑक्सीकरण है या अपचयन है, अपचयन है ना, अपचयन है ना, अपचयन मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी आना। अरे हिंदी में आपको इसमें कन्फ्यूज होगा, मैं सरल तकनीक बताता हूँ आपको, ऑक्सीडेशन मतलब होता है बढ़ना, और रिडक्शन मतलब होता है घटना, बस यहाँ से समझ में आ जाएगी आपको सारी बात। अब घटता क्या है, वो घटता क्या है समझ लीजिए, नंबर सिस्टम आपको पता है, रेखा नंबर सिस्टम पढ़ा है ना, नंबर सिस्टम मतलब 6 7 में कहीं पढ़ा होगा, रेखा पढ़ी होगी आपने, रेखा लाइन, ठीक है, ये 0 है, इधर -1 है ना, अरे है कि नहीं है, इधर -2 है, इधर -3 है, -4 है, +1 है, +2 है, +3 है, ये समझ में आ गया है। तो अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इस तरफ बढ़ेगा नंबर, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन हो गया, और अगर इधर से इधर की तरफ आएगा नंबर तो रिडक्शन हो गया, सिंपल सी बात हो गई। जैसे किसी में -4 थी किसी की ऊपर चार्ज, और बाद में क्या हो गया, वो -2 हो गया, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ, गॉट इट, ऑक्सीडेशन हो गया है, क्योंकि प्लस की तरफ बढ़ा ना, है ना, -4 से क्या बढ़ा, -2 की तरफ, इस तरफ बढ़ रहा है ना, है ना, तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। और अगर किसी का पहले 0 था और -2 चार्ज आ गया तो क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, अब चेन हो गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो ये हो गया यहाँ पे रिडक्शन, मतलब ये कैसा है, खुद ये कैसा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरे का कर देगा ये ऑक्सीडेशन, लेकिन अपना हो जाएगा रिडक्शन, क्योंकि अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट की क्या हो गई, कम हो गई, लेकिन
जो खुद जो एजेंट होता है, ये कैसे एजेंट है, इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन है ना, इसका क्या खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन, लेकिन है कैसा ये, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा क्या कर देता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा देता है, लेकिन अपनी क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, मतलब ये कुछ चीज़ें दूसरे को दे देता है, तो अपने पास कम ही तो बचेगा, तो अपना तो लॉस हो जाता है और दूसरे की बढ़ोतरी हो जाती है। तो जिसकी बढ़ोतरी होगी वो ऑक्सीडेशन हो गया उसका, है ना। तो एजेंट कौन सा ही है, LIC एजेंट क्या करता है, दूसरे का पैसा लेता है ना, तभी तो LIC एजेंट है वो, है ना। एजेंट बोला जिसका नाम है एजेंट, काम करने वाला है वो, तो इसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ऑक्सीडेशन दूसरे का कर दिया लेकिन अपना घाटा हो गया, है ना। हालांकि LIC एजेंट का नहीं होता घाटा, घाटा आदमी का होता है जिससे वो पैसा लेता है ना। अब एक रिड्यूसिंग एजेंट है, मान लीजिए जैसे ऑक्जिलिक एसिड है H2C2O4, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन में जो है CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है और यहाँ क्या है, देखो आपको समझ नहीं आ रही होगी, यहाँ पे पता लग रहा है, यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है ना, तो चार्ज नहीं है तो निकाल के देखते हैं, यहाँ पे तो सीधा हो गया +4। कैसे हुआ +4, क्योंकि ऑक्सीजन -4 है, तो बगल वाला प्लस वाला तो होगा, तभी तो जुड़ा हुआ है ना। ऑक्सीजन -4 कैसे हुई, -2 एक ही होती है, एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो दो पे क्या होता है -4, तो अगर ऑक्सीजन उधर साइड से -4 है तो इधर साइड से कार्बन क्या होगा +4, ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये क्या है, कार्बन की यहाँ पर क्या होगी, ये दो कार्बन है तो 2x मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 इसकी है, एक हाइड्रोजन की 1 होती है तो 2 की 2 प्लस, ये क्या हो गया माइनस, एक पे कितना होता है -2 होते तो 4 पे -8, पूरे पे कौन सा चार्ज है, कुछ नहीं है, बराबर 0 है ना। तो देखो यहाँ पे ये हो गया, सीधा हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया, तो 2x माइनस 6 इक्वल टू 0 है ना, और 2x बराबर 6 और x बराबर क्या हो गया 3 है ना, 3 से 4 हो गया है ना। तो यहाँ क्या हुआ इसका भाई, इसका वो क्या रहा है, यहाँ अपना ऑक्सीडेशन है ये कर रही है, तो एजेंट कौन सा ये भाई, अपना तो ऑक्सीडेशन कर रही है तो एजेंट किस तरह का ये, रिड्यूसिंग एजेंट है ये। अरे यहाँ क्या बोला था मैंने, इसका खुद का क्या हो रहा था, खुद का क्या हो रहा था, रिडक्शन, तो एजेंट कौन सा ये, ऑक्सीडाइजिंग, समझ में आया। इसका खुद क्या हो रहा है यहाँ, ऑक्सीडेशन, तो एजेंट कौन सा है, उल्टा होगा ना एजेंट, एजेंट तो उल्टा होगा ना, अगर इसका यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट थोड़ी नहीं है, काम तो ये दूसरी तरह का करता है, तभी तो अपना कम होता है इसके पास। तो ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि खुद का इसका रिडक्शन हो रहा है, और ये कौन सा एजेंट है, इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एजेंट क्या होगा, उल्टा होगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उल्टा एजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा रिड्यूसिंग एजेंट है ये, है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहाँ पर देखेंगे इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलेगा, इसका इक्विवेलेंट वेट निकलेगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स फैक्टर। अब एक्स फैक्टर कितना होगा इसके लिए ये देखना पड़ेगा, पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं इसका, H2 का 2, C का कितना हुआ 24, ठीक है 2 ये हो गया, 24 ये हो गया और 64 ये हो गया, ठीक है, ये नहीं तो ये हो गया 10 और ये हो गया 9, 90, तो 90 हो गया, तो यहाँ 90 लग दी, मॉलिक्यूलर वेट की जगह लिख देते हैं 90 डिवाइडेड बाई एक्स फैक्टर। अब एक्स फैक्टर देखना पड़ेगा मैं इसके लिए, एक्स फैक्टर कितना है 3 और 1 और यहीं पर कितने के बढ़ोतरी हो रही इसमें, एक ही, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा गलती कर रहे हैं, गलती क्या कर रहे हैं, एक के लिए किसकी वजह से हो रहा है, एक कार्बन की वजह से हो रहा है, लेकिन दो कार्बन की वजह से कितने का चेंज होगा, देखो यहाँ 3+ है ना, एक कार्बन की तो होगी वो 3+, दो कार्बन की तो नहीं होगी ना, एक कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3। तो एक कार्बन के CO2 में कन्वर्ट होने पर एक का चेंज हो रहा है, तो दो के कन्वर्ट होने पर कितना का चेंज होगा, 2 का। तो जितने यहाँ होंगे उसका ध्यान रखना आपको, जितने एटम यहाँ होंगे ना उसका ध्यान रखना, अगर 2 हैं यहाँ, 5 हैं, जितने भी हैं, तो उतने आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, उतना चेंजेज होगा फिर, ठीक है, तो उतना चेंजेज होगा। तो यहाँ पे कितने का चेंज होगा, 2 का चेंज होगा, 1 का चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक कार्बन से एक का चेंज हो रहा है, तो यहाँ क्योंकि 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन से कितने होगा, 2 का चेंज होगा, ठीक है, तो इसका कितना आएगा 45 आ जाएगा।
समझ आई बात? तो ये इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? किसी भी रिएक्शन में इक्विवेलेंट वेट होता है, किसी भी साल्ट, एसिड, बेस, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मॉलिक्यूलर मास बटे एक्स फैक्टर। एक्स फैक्टर जहाँ पर अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग होगा। और इक्विवेलेंट वेट कहता है कि किसी भी पदार्थ का जो मास होता है ना, किसी भी सब्सटेंस मतलब पदार्थ, किसी भी पदार्थ का जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो क्या करता है, फिक्स्ड क्वांटिटी से अगले पदार्थ की फिक्स क्वांटिटी से कंबाइन करता है। वही क्या है इक्विवेलेंट वेट है। इक्विवेलेंट वेट कहता है कि जितना, अगर इतना सा आपको चाहिए सोडियम कार्बोनेट और इतना सा चाहिए कोई दूसरा, तो इतना ही चाहिए दूसरा, इतना नहीं चाहिए। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे वो रिएक्शन बताई थी मैंने कि इसके चार मोल चाहिए, इसके दो मोल चाहिए, तब रिएक्शन कंप्लीट होगी। दो चीज़ हैं, मोल कॉन्सेप्ट कहता है कि एक पदार्थ के होने चाहिए इतने मोल, मान लीजिए दो मोल है, अगले पदार्थ के होने चाहिए चार मोल या तीन मोल, तब रिएक्शन कंप्लीट होगी। उसी आधार पर हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। लेकिन इक्विवेलेंट वेट कहता है नहीं, अगर हमें प्रयोग करना है और इक्विवेलेंट वेट के हिसाब से प्रयोग करना है, तो जितना मास इसका ले रखा है उतना ही मास दूसरे का लेंगे, ठीक है ना। तो ये है कि इट इज अ मास ऑफ सब्सटेंस दैट कंबाइन विद फिक्स क्वांटिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस, फिक्स क्वांटिटी ऑफ अनदर सब्सटेंस, गॉट इट।